हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहा नवनीत। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोगों के ब्लेसिंग्स की वजह से हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तिलक सेरेमनी के बाद हम लोग जो घर लौटे, नेक्स्ट डे फिर हम लोग मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग नहीं कहेंगे, 10-11 बजे वापस से सीतामढ़ी चले गए। यहाँ पर बाबू का नज़र मम्मी उतार रही है। हम लोग के गाँव में होता क्या है ना, गाँव से जब निकलते हैं, गाँव का सीमान जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर ऐसे छोटे बच्चे का नज़र उतारते हैं, तो वही मम्मी यहाँ पर कर रही है, जिससे कि बच्चे को बुरी नज़र से दूर रखा जाता है। और मैं लगभग 2 वीक से कोई भी वीडियो डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा बिजी थी और यहाँ पे टाइम भी नहीं मिल पाता है और वीडियो एडिट करने में भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि बहुत शोर शराबा ये सब रहता है, तो वीडियो भी एडिट नहीं हो पाता है। और इस बीच में बहुत ज़्यादा इधर उधर होना पड़ा था, लाइक ससुराल, मायका, फिर मायके में, मतलब इधर उधर ज़्यादा था, जहाँ की लैपटॉप लेके और मतलब ट्रैवल नहीं कर सकते थे इतना ज़्यादा, इस वजह से जो है ना एडिटिंग में मतलब नहीं हो पाया और आप लोगों को वीडियो मैं डिलीवर नहीं कर पाई। अब कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रह पाऊँ और आप लोगों को एक एक करके सारी वीडियो दे पाऊँ, और फिर रोज़मर्रा का भी वीडियो जल्द ही कंटिन्यू कर लूँगी मैं, मतलब जल्द ही कंटिन्यू आप लोग को देना स्टार्ट कर दूँगी। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिनों से एक्टिव नहीं थी, बट नाउ मैं एक्टिव हूँ। सो गाँव से हम लोग नाश्ता करके चले थे और यहाँ पर जाके मम्मी को खाना भी बनाना था, क्योंकि हम लोग को भूख लग गई थी, क्योंकि 11-12 बजे गए थे ऑलमोस्ट, यही चल रहा था। गाँव में नाश्ता जो है ना 6-7 बजे हो जाता है, 7-8 बजे हमने किया था 8:30 में, ठीक है। तो भूख हॉल में सबको लग गई थी, तो हम लोग को खाना भी खाना था। यहाँ बाबू जो है वो सो रहा है और आज बहुत ही स्पेशल पर्सन जो है वो हम लोग से मिलने आने वाले हैं, स्पेशली बाबू से, और मेरे लाइफ के सबसे खास पर्सन में से एक पर्सन है वो। तो चलिए हम आप लोग को उनसे मिलवाते हैं, वो है मेरी नानी। मैं लगभग नानी से बहुत दिनों बाद मिली, 1.5 साल 1.5 साल बाद, मतलब जितने दिन मुझे बिहार गए हुए हुआ उतना दिन हो गया मुझे इनसे मिले हुए, और मुझे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी नानी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं इनकी फेवरेट नदनी से एक हूँ। सो आप लोग समझते ही होंगे कि नानी से जो अटैचमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और मेरी बहुत ही ज़्यादा है। और हाँ, मेरी नानी की एक ख़ास बात है, जब भी आती हैं तो इनका एक चीज़ रहता है कि तुम मुझे मेहंदी लगा ही दो। तो मैं यहाँ पे नानी को, मतलब हम सब मिलके खाना वाना खाएं, खाना खाने के बाद कुछ रेस्ट किए, उसके बाद यहाँ पे मैं नानी को मेहंदी लगा रही हूँ, दोनों हाथों में लगाया, और पैर के लिए ना मेहंदी नहीं बचा था और घर पे मेहंदी नहीं था, और मार्केट थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता है, थोड़ा दूर नहीं कहेंगे, थोड़ा सा गली से निकल के जाना पड़ता है, तो अभी धूप था तो कोई गया नहीं। सो नानी बोली कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब दोनों पैर और दोनों हाथ में लगा देना। जब भी आती है नानी, उनका ये चीज़ है ही कि मैं जब भी आऊँ तुम दोनों हाथ में मेरे मेहंदी लगाना ही लगाना। तो यहाँ पे बस मैं रच रच के उनको मेहंदी लगाए जा रही हूँ, और बाबू जो है वो सो गया है। और इस बार जो है मैंने लगभग अपने सारे ही ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उन सभी से मिली मैं। दादा दादी के साथ वाला वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, पिछले जो तिलक वाला वीडियो है उसमें, और मैं अपनी नानी के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं नाना से भी मिलती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और सिर्फ मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं मिली, बल्कि ये अपने ग्रैंड पेरेंट, मतलब मिस्टर कुमार जो हैं वो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिले, और साथ में बाबू को सबने देखा, बहुत खुशी होती है गाइज। ये सब जो मेमोरी है ये सब कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है, और ये शायद लाइफ टाइम हमारे साथ रहे ये वीडियोस, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और फोटोज़ एंड ऑल। एंड बाबू भी लकी है कि उसके पास सारे ही, मतलब उसके मदर फादर के सारे ग्रैंड्स जो है वो है। यहाँ पे मेरे भाई को आप देख सकते हैं, उसको फ़ोन चलाने से टाइम, मतलब आजकल के जो बच्चे हैं ना उनको एनी टाइम फ़ोन चाहिए, मतलब बच्चे ही नहीं बड़े भी हैं जो उनको भी फ़ोन चाहिए। और यहाँ पे बाबू जो है वो उठ चुका है, ये बात मुझे नहीं पता था बाद में जब शूट हो रहा था ना, तो बाद में देखा कि अच्छा ये उठ चुका है, और इसके पापा जो है वो बगल में सोए हुए हैं, दोनों एक साथ ही सोया था, बट बाबू उठ चुका है और उसके पापा जो है वो सोए हुए हैं। यहाँ पे मंगाए थे रसमलाई, जो कि मतलब यहाँ का ना मेरा फेवरेट मिठाई, सारा ही मतलब फेवरेट है। मैं यहाँ आती हूँ, बहुत सारे स्वीट्स जो है वो ना मैं ट्राई करती रहती हूँ, मुझे सारे पसंद है। तो यहाँ पे बस हम लोग मिलके सारे लोग रसमलाई खाए, इंजॉय किए, उसके बाद जो है हम लोग गए मार्केट, क्योंकि आज जो है वो डिनर का प्लानिंग बाहर ही था, क्योंकि जितने सारे बच्चे थे ना उन्होंने कहा था कि मैं मासी बनी हूँ, मामा बना हूँ, तो भाई ट्रीट तो चाहिए, पार्टी तो चाहिए बाबू की खुशी में। तो हम सारे लोग जो है वो रेडी शेडी हुए, शाम को नानी निकल चुकी थी ना, मेरे नानी का घर भी ना सीतामढ़ी में ही, मतलब ऑलमोस्ट मेरे सारे रिलेटिव्स जो है वो सीतामढ़ी में ही है, मेरा ससुराल, मेरा मायका, मेरी नानी का घर, मेरी चाची का घर,
सब लोग हम लोग सीतामढ़ी में ही रह रहे हैं, मतलब रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। हर दो कदम पे मेरे सारे रिलेटिव्स जो है वो आसपास ही रहते हैं। तो बस हम लोग का प्लानिंग था कि चलो आज जो है वो डिनर बाहर ही करते हैं, पार्टी करते हैं। तो हम लोग बस चले आए यहाँ पे। एक आध जो है वो नया नया रेस्टोरेंट यहाँ पे खुला है, वो पता नहीं था हम लोगों को, क्योंकि पहले ये नहीं खुला था, और ये पिछले 6 7 महीने, 1 साल कहेंगे, इस दौरान सारे ही खुले हैं। तो हमने पूछा, इन बच्चों से ही पूछा था कि सबसे अच्छा बताओ यहाँ पे कौन है। तो इन लोगों ने 2 3 बताया था, बट उसमें से हम लोगों ने सेलेक्ट किया जो पास हो और अच्छा भी हो। तो यहाँ पे हम लोगों को मिला द सेकेंड वाइफ। इस रेस्टोरेंट का नाम ही सुन के थोड़ा सा अजूबा सा लगता है, द सेकेंड वाइफ, ये क्या नाम है भाई। बट कोई नहीं, हम लोग फाइनली यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ का खाना जो है वो ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे, कि क्या क्या मिलता है और कैसा टेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे अंदर चले जाते हैं। मिस्टर कुमार बस फ़ोन फ़ोन फ़ोन, इनको भी ना जहाँ न तहाँ बहुत ज़्यादा कॉल आता है, और ये कॉल पे काफ़ी बिजी रहते हैं। और मैं देसी वाइब्स के साथ मैं आ चुकी हूँ रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे जो है टेबल ढूंढ रही हूँ, कोई अच्छा सा ढंग सा टेबल मिल जाए जहाँ पे बैठ पाऊँ। तो यहाँ पे मिल गया, और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग को आज खाना क्या है। तो हम मेरा तो फिक्स रहता है कि मुझे क्या खाना है, इनका भी फिक्स रहता है। मैं बच्चों से पूछ रही हूँ कि तुम लोग को क्या खाना है, तुम लोग अपना अपना ऑर्डर कर लो। फिर हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग को क्या मंगवाना है, और बहुत सारी चीज़ें मंगवा ली थी, हालांकि कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, सब लोग मिलकर खा लिए। और यहाँ पर मैं आपको पूरा रेस्टोरेंट दिखा रही हूँ। मिला जुला के ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लगा, बट हाँ ठीक ठाक लगा। और हम लोग को जो जगह मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से साइड से नहीं मिला था, बीच में सेंटर में मिल गया था, सो बहुत मज़ा नहीं आ रहा था। तो हम लोग बस साइड का टेबल ढूंढ रहे थे, आपको कॉर्नर में दिख रहा है वो खाली है, वहाँ पे हम लोग चले गए थे, वहाँ पे सफाई करवा के देन हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। और ऑर्डर भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर दी थी, जिसमें कि था एक चिली पनीर ग्रेवी एंड बटर नान एंड गार्लिक नान, एंड उसकी के साथ था कढ़ाई पनीर, साथ में अहुना चिकन। अहुना चिकन लाइक वो मिट्टी के हांडी में बनता है, और हम लोग ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे कि क्या क्या यहाँ पे बेस्ट मिलता है। मैंने उनसे ही पूछा था कि आपके यहाँ पे क्या क्या बेस्ट है, उन्होंने ही बोला कि आप ये सारी चीज़ें मंगाओ, अच्छा लगेगा। फिर हम लोगों ने सेम चीज़ें ऑर्डर की थी, चिली पनीर, कढ़ाई पनीर, नान, गार्लिक नान और अहुना चिकन। अहुना चिकन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का खा के। अगर आप लोग सीतामढ़ी से हो तो आप लोग इस रेस्टोरेंट में आके ये ट्राई कर सकते हो, अगर नॉन वेज लवर हो तो। अदरवाइज़ वेज हो तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, मतलब पनीर का आइटम भी बेस्ट था, अच्छा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अहुना चिकन, जो कि मिट्टी के हांडी में तैयार किया जाता है, और फिर यहाँ पे सबको सर्व किया गया, और हम लोग बहुत मज़े से डिनर किए, और खाना बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया। मतलब पैसा लगा और खाना अगर पसंद आ जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। बस हम चारों पांचों लोग जो भी आए थे यहाँ पे मज़े से डिनर इन्जॉय किए, और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए, क्योंकि घर से कॉल आया था कि हम लोगों से मिलने कुछ लोग आए हैं। मैं इनसे यहाँ पे पूछ रही हूँ कि अगर घर से ऑर्डर करूँ तो क्या आप डिलीवर करते हो, तो इन्होंने बोला कि जी हाँ, स्विगी जोमेटो के थ्रू अगर करोगे तो आपको डिलीवरी चार्ज भी लगेगा, बट अगर डायरेक्ट रेस्टोरेंट से करोगे तो डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। और फिर कुछ खाना हम लोग का बच गया था, उतना कोई खा नहीं पाया था, तो हम लोग उसको पैक करवा लिए थे, क्योंकि खाना को वेस्ट क्यों करना। तो कुछ ऐसा ही रहा आज का हमारा पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक, इवन रात तक बोल सकते हैं इसको। घर जाके पता चला कि देवर जी लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे उन लोगों को वेलकम ड्रिंक दिया गया था, और तब तक हम लोग जो है वो ड्रेस वगैरह चेंज किए, और मिस्टर कुमार का वेलकम ड्रिंक साथ साथ चल रहा था। इनसे आप लोग मिल ही चुके हैं छठी वाले व्लॉग में, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। ओके गाइज, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड हाँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।